क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जिसे मोमोज खाना बहुत ज्यादा पसंद है और वो मोमो के बिना रह नहीं सकता और उसकी हालत कुछ ऐसी है। बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां एक युवक को लगातार दूसरे दिन मोमोज ना मिलने से उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया और युवक बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहोश हालत में लाए युवक को पहले खून और ग्लूकोज चढ़ाया गया, मगर युवक से कोई प्रतिक्रिया ना आने पर डॉक्टर ने नर्स को कुछ देर इंतजार करने को कहा और खुद के लिए एक प्लेट मोमोज मंगवा लिए। मोमोज की खुशबू से युवक के शरीर में कंपन हुई और उसने आंखें खोली। कुछ ही देर में युवक को पूरी तरह से होश आया और वो डॉक्टर से छीनकर मोमोज खाने लगा। फॉक्सी से बात करते हुए डॉक्टर ने बताया कि युवक के खून में मोमोज की चटनी और मेयोनीज की मात्रा कम होने से ऐसा हुआ। वहीं उसकी अतड़ियां भी और मैदे की डिमांड करने लगी हैं। डॉक्टर का कहना था कि युवक का 3/4 शरीर मोमोज बन चुका है। फिलहाल डॉक्टर और युवक दोनों रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास केंद्र में हैं अपनी मोमोज की लत छुड़वाने के लिए। तो बस आज से आपको इसकी लत छुड़वाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बना सकते हो घर पे ये टेस्टी और हेल्दी सा मोमोज जिसे आप डेली खा सकते हो विदाउट एनी गिल्ट। और इसमें ना आपको मैदा डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोमो बनता है आटा और रागी आटा से। इसे बनाना भी काफी आसान है, बस आप सारे वेजीज को फाइनली चॉप कर लो, उसके ऊपर से आप ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल लो, आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो मोमो को और ज्यादा जूसी बनाने के लिए। एंड फिर आप आटा और रागी आटा ले लो, उसके ऊपर थोड़ा नमक डालकर एक अच्छा सा डो तैयार कर लो। फिर आपको इसे बेलना है, उसके ऊपर से ना आप एक कटोरी ले सकते हो या फिर कटर लेकर इसे गोल गोल से शेप में काट लो। फिर इस सर्कल के साइड में आपको पानी लगाना है ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। फिर इसके बीच में आप जो स्टफिंग तैयार की हो वो ऐड कर लो और इसे फिर अच्छे से बाइंड करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हो। इस मोमो के लिए ना मुझे ये वाला शेप बहुत अच्छा लगा जो मैंने दिया है। एंड फिर मैं अलग अलग शेप को भी बना सकती थी, बट ये वाला शेप इस मोमोज के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने ना एक्चुअली दिल्ली की एक ब्लॉगर को देखा था जो कि ये मोमोज बनाकर बेच रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मन करने लग गया कि मैं भी ये मोमोज ट्राई करूँ। एंड फिर मैंने जब ये मोमोज बनाया मुझे सीरियसली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये मोमोज तो डेली खाया जा सकता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा हेल्दी है, ऐसा मुझे लगा। एंड मैं काफ़ी टाइम से इसे बना के खा रही हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप इसे बनाओ एंड खाओ, आपको ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप बाहर के मोमोज खाना ही भूल जाओगे। तो ये मोमो को शेप देने के बाद ना मैंने इसे स्टीम कर लिया 10 मिनट्स तक। अगर आपको ये थोड़ा सा कच्चा लगे तो आप इसे 15 और 20 मिनट्स के लिए भी स्टीम कर सकते हो। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे बनाया ये एशियन डिप, जिसके लिए ना मैंने यहाँ पे यूज़ किया सोया सॉस, विनेगर, टमाटो सॉस, उसके ऊपर से मैंने ऑलिव ऑयल भी यूज़ किया। इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी ऐड किया, उसके ऊपर से सिसमी सीड्स मैंने ऐड किया इसमें ताकि ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छे लगे खाने में। एंड ये आपका एशियन डिप भी बनके तैयार है, इसे भी आप ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और ये बहुत टेस्टी भी होता है खाने में। एंड इस मोमोज के साथ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड आप रेड चटनी भी बना सकते हो, उसकी भी रेसिपी मैं आपको जल्द ही दे दूंगी। सो आप लोग ट्राई करो ये टेस्टी और हेल्दी सा रागी मोमोज, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। एंड आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है मोमोज छोड़ने की अपने डाइट के टाइम पे, क्योंकि ये डाइट का ही एक पार्ट बन जाएगा। सो गाइज जस्ट ट्राई दिस मोमोज एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी।